Hi students, good morning, good afternoon, good evening, when you see this video, welcome you in my YouTube channel, C&A Classes. So students, we have started here the topic of Hello Traveler, and we have selected the passage from a Hello Traveler, and we have already explained the paragraph first, and we have selected here paragraph 2. So now we start here. Before starting to read this, and I want to recite one time. So friends, just you see here on your screen. So there is a pleasant sense of freedom about being alone, a carriage that the jolting and noising through the light, it is liberty. And the unrestraint in very agreeable form. You can do anything you like. You can talk to yourself as loud as you please, and no one will hear you. You can have that argument out of with Jones and roll him trumply in the dust without fear of a counter stroke. You can stand on your head and no one will see you. You can sing, dance two steps, or practice a golf stroke. So friend, I repeat here, just recite this passage, and I want to tell you in English. So बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने इस पोएम में मैंने इसको रिसाइट किया है, एक बार पढ़ा, और हम उम्मीद करते हैं कि जब आप पढ़ेंगे तो आप अपने बुक को खोल करके रख लेंगे और उसके बाद से पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिसका स्क्रीन शॉट मैंने लिया है, बुक कुछ खास अच्छी नहीं है, इसमें तमाम सारे देख रहे हैं कि समस्याएँ आ रही हैं, तो इसलिए आप बुक खोल करके अपनी बैठिएगा। तो बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं जो कुछ डिफिकल्ट मीनिंग है, प्लीजेंट मतलब होता है सुखद, फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता, कैरिज मतलब होता है जो रेलगाड़ी का डिब्बा होता है, ज्वेल्टिंग मतलब होता है झटका देना होता है फ्रेंड्स, अनप्लीजेंट मतलब होता है आज़ादी, अनट्रस्टेड मतलब आज़ादी जिसे कहते हैं, एग्रीबल मतलब सहमति होता है, फिर आगे जो देखेंगे डिफिकल्ट मीनिंग होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट मतलब तर्क होता है, काउंटर स्ट्रोक मतलब जवाबी हमला कह सकते हैं, और प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना होता है। बाकी फ्रेंड्स हमें समझने की इसमें जितनी भी मीनिंग होगा आपको कवर होगा। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके पैसेज को, जिसे पिछले में हमने पढ़ा था कि लेखक लंदन से मिडलैंड के लिए जाने के लिए तैयार है, और ट्रेन जो है कि डिब्बे भी हैं पूरे पूरे लोगों से भरे पड़े हुए हैं, इसमें उसको लगता है कि हम बहुत तकलीफ में हैं और कैसे मैं जाऊंगा उसको महसूस होता है, लेकिन कुछ समय के बाद सारे ट्रेन से यात्री उतर जाते हैं, लेखक अकेले उसको सफ़र करने पे मजबूर होना पड़ता है, तो उस अकेले डिब्बे में रहने पे उसको किस प्रकार की फीलिंग्स होती है, वो सोचता है अब तो मैं फ्री हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इसी सेंस को लेकर किस पैसेज में बताने का प्रयास किया गया है। बच्चे स्टार्ट करते हैं, लिखा है देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज, मतलब देयर इज अ प्लीजेंट सेंस, बहुत सुखद अनुभूति था ऑफ फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का बहुत अच्छी अनुभूति थी अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज, मतलब एक रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने पर बहुत ही सुखद अनुभूति थी। ऐसा क्यों? क्योंकि लेखक जब उस ट्रेन पे सवारी के लिए चढ़ा था उस समय बहुत लोगों से मशक्कत करना पड़ता था, इसीलिए उसको आज कुछ समय के बाद जब वो अकेला होता है तो उसे बहुत सुखद अनुभूति होती है। आगे कह रहा है दैट इज ज्वेल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाट, अर्थात उस पूरी रात जब लेखक अकेला था उस पूरी रात ज्वेल्टिंग मतलब झटका दे करके चलते हुए शोर करते हुए धीरे धीरे आवाज़ करते हुए शोर करते हुए ट्रेन धीरे धीरे पूरी रात चलती रही। लिखा है इट इज लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता है ऑफ अनरेस्ट्रेंट मतलब आज़ादी की इन वेरी एग्रीएबल फॉर्म, मतलब कह सकते हैं कि एक सहमति रूप में इसमें पूरी की पूरी आज़ादी का क्या एक अलग अनुभूति है, एक अलग मतलब आज़ादी के क्या कह सकते हैं एक महसूस है कि किस तरीके से हम यहाँ पे व्याख्या नहीं कर सकते कि कितना सुखद अनुभूति हो रहा है कि इस ट्रेन के डिब्बे में मैं अकेला हूँ। लेखक आगे बताने का प्रयास करता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे होंगे
यू कैन डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो। लेखक कह रहा है कि ट्रेन के डिब्बे में सुझाव दे रहा है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, यू लाइक, जैसी तुम चाहती हो, जिस तरीके से तुम चाहती हो तुम कर सकते हो। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अकेले में कौन कौन सी प्रतिक्रिया करने के लिए तुम तैयार होती हो, वो तुम सारी चीज़ें कर सकते हो। लिखा है यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, अर्थात तुम चाहो तो तुम अपने अपने आप में बात कर सकते हो, स्वयं से बात कर सकते हो, एज लाउड एज, जितना तुम चाहती हो। यू प्लीज्ड एंड नो वन विल यू हियर, कह रहा कोई भी तुम्हें नहीं सुन सकता, तुम अकेले होने पे तुम चाहो तो तुम जैसे चाहो वैसे बात कर सकते हो, जितना चाहो उतना तेज बात कर सकते हो और कोई भी तुमको सुनने वाला नहीं होगा। बच्चों आगे बता रहा है यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट, तुम तर्क वितर्क भी रख सकते हो आउट ऑफ आउट विद जॉन्स, मतलब एक काल्पनिक कैरेक्टर की बात कर रहा है जो जॉन्स है। तुम कहता है एक तरफ अपने आप में एक जॉन बन सकते हो, एक तरफ स्वतः तुम हो सकते हो और इस तरीके से दोनों में तर्क रख करके तुम वहाँ पे चाहो तो किसी भी मुद्दे पे बहस कर सकते हो। एंड रोल हिमसेल्फ ट्रम्पली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, और तुम चाहो तो इस तरीके से जवाबी हमले में, जो यहाँ बता रहा है कि जवाबी हमले में अगर तुम चाहो तो पूरा खुशी पूर्वक जीत की खुशी में तुम नीचे ही तुम डस्ट में धूल में तुम उसी फर्श पर तुम क्या कर सकते हो, लेट सकते हो, रोल सकते हो, घूम सकते हो, कोई भी देखने वाला नहीं है। इस तरीके से तुम चाहो तो रोल सकते हो, मतलब लुढ़क सकते हो, कोई भी देखने वाला नहीं है। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, कहता है तुम इतने आजाद हो, तुम इतने स्वतंत्र हो कि कुछ भी वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं। अगर तुम्हारा मन करता है तुम अपने सर को नीचे कर लो और पैर को ऊपर खड़ा करके भी तुम वहाँ पे रह सकते हो। एंड नो वन विल यू सी, और आपको कोई भी देखने वाला नहीं होगा, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। अगर मन करता है कि पैर सर को नीचे करके और पैर को ऊपर करना तो तुम वहाँ खड़े हो सकते हो और कोई भी तुम्हें देखने वाला नहीं है। फ्रेंड्स आगे बता रहा है इसमें यू कैन सिंग, अगर तुमको मन कर रहा है तो तुम गा सकते हो, आर यू कैन आर डांस और टू स्टेप, अगर मन करता है तो तुम दो स्टेप क्या कर सकते हो, दो ठुमका नाच भी सकते हो, और जैसे तुम्हें नाचने नहीं आता है तो तुम वहाँ नाच भी सकते हो और कोई ये नहीं कहेगा कि तुमको नाचने भी नहीं आता। आर प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक, और तुम चाहो तो तुम गोल्फ खेलने का भी तुम प्रैक्टिस वहाँ पर कर सकते हो। तो ये सारी आज़ादी के लेखक के अकेले होने, रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने पर उसको अनुभूति जगती है और उसको लगता है कि इस तरह की सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। In the next page, we recite here, just you see here. Or play marble on the floor without let a hindrance. You can open the window or shut it without provoking a protest. You can open both windows or shut both. Indeed, you can go on opening them and shutting them as sort of festival of freedom of festival. Have any corner you choose and try all of them in turn. You can be at a full length on the cushions and enjoy the luxury of provoking. The revelation of possibly the heart of Dora herself, only Dora will not know that her heart is broken. You have escaped even the Dora. तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं, हमने इसको रिसाइट किया, रिसाइट करने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस तरह से रिसाइट कर लिए होंगे। रिसाइट करके जब आप पढ़ेंगे तो बुक अपने सामने रखेंगे, क्योंकि इसमें तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कटपीट है, फिर ऐसी समस्याएं हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ मीनिंग की बात हम कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं, जैसे लिखा है जान रहे होंगे, हंडेंस मतलब होता है वो रोक होता है, बाधा होगा, प्रोकिंग मतलब उत्तेजित करना होता है, प्रोटेस्ट मतलब विरोध होता है, और विंडो मतलब खिड़की होता है, इंडेड मतलब वास्तव में, और यहाँ पे देखते हैं सटिंग मतलब बंद करते हुए, फेस्टिवल मतलब त्यौहार होता है, इसमें फ्रीडम ऑफ फ्रेंड्स मतलब जिसकी मतलब आज़ादी होता है, और यहाँ पे कॉर्नर मतलब कोना होता है, चूज मतलब चुनना होता है, और आगे यहाँ पे देख रहे हैं कसिन्स मतलब होता है गद्दा जिसे बोलते हैं, सीट जिस पे लगे होता है, गद्दे से जैसे कहते हैं
जो बहुत मुलायम होता है सीट पे बैठने के लिए, उसके लिए जो यूज़ किया गया है। और लग्जरी मतलब होता है बिलासता, ब्रेकिंग मतलब तत्कालिक का कह सकते हैं, रेगुलेशन मतलब कानून कायदे है, पॉसिबली मतलब संभवता, डोरा एक प्रकार का कह सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक कानून है जो विश्व युद्ध के दौरान इसे पारित किया गया था। और यहाँ पे ब्रोकेन मतलब तोड़ दिया, और स्कैप मतलब बचना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं ये इसकी मीनिंग्स है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इसको पढ़ रहे होंगे, दोहरा ले रहेंगे। और आगे यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स इसके अर्थ को बताते हैं। कह रहा है आर प्ले मार्बल ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हैंडल्स, बिना किसी रोक टोक का आप चाहे तो यहाँ पे कंचा भी इस फर्श पे ट्रेन के डिब्बे में आप खेल सकते हैं, कोई आपको भूलने वाला नहीं है कि क्या तुम कर रहे हो, एकदम फ्रीनेस की तरह से आप चाहे तो यहाँ पे गोल्फ भी खेल सकते हैं। कह रहा यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की को भी खोल सकते हैं, अर्थात जिस ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं चाहे तो अकेले होने पर आप दोनों खिड़की को खोल दें। आर शट विदाउट प्रोवोकिंग प्रोटेस्ट, बिना किसी उत्तेजन किए हुए, बिना किसी विरोध का आप चाहे तो खिड़की के दरवाजे को बंद कर दें, आप चाहे तो खोल सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि इस ट्रेन के डिब्बे में अकेलेपन होने का लेखक एहसास जता रहा है कि क्या क्या हम कर सकते हैं, खिड़की को चाहे तो बंद कर सकते हैं चाहे तो खोल सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज, तुम चाहो तो दोनों खिड़की खोल दो, शट बोथ या तो दोनों बंद कर दो, ये डिपेंड करता है उस पे अकेले होने पे। लिखा है इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग, या तो तुम दोनों को खोले हुए जा सकते हो, खोल दो एकदम खिड़की को तुम चलते रहो। लिखा है देम एंड सेटिंग विद देम, और चाहो तो उन दोनों को तुम बंद भी कर सकते हो, बंद करके भी तुम खोले रूप में जा सकते हो। एज अ शॉर्ट मतलब जैसे कि, मतलब एक संक्षिप्त एक छोटा ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, जैसे लगता है एक मतलब फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे फ्रेंड्स एक फेस्टिवल है और इसके आगे यहाँ पे फ्रीडम है, फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, तो ऐसे लगता है कि एक स्वतंत्रता का त्यौहार वहाँ पे आ गया है कि जैसे चाहे हम वैसे यहाँ पर हम सफर कर सकते हैं। लिखा है हैव एनी कॉर्नर यू चूज, या इतना नहीं करना तो तुम उतने बड़े ट्रेन के डिब्बे में कहीं भी एक कोने में जा कर के तुम चुन सकते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम टू टर्न, और चाहो तो तुम पूरा उसके चारों तरफ क्या कर सकते हो, घूम सकते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है कि एक ट्रेन के डिब्बे में अकेले होने पर क्या कर सकते हो। लिखा है यू कैन लाई एट फुल लेंथ, तुम चाहो तो एकदम पूरा भर पूरी सीट तुम चाहो तो यहाँ क्या कर सकते हो, लाई मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे लेटना होता है, तुम पूरी लेंथ अपने पैर को एकदम टॉप टू बॉटम लेके उस पर तुम आराम से सो सकते हो, एकदम पूरा लेंथ लेट सकते हो। ऑन द कशंस मतलब जो वो सीट बनी होती है ट्रेन का, जिसपे मतलब कशंस लगे होते, गद्दे लगे होते, गद्दीदार जो सीट होती है उस पर चाहे तो आप पूर्णतः सो सकते हैं, इसलिए क्योंकि लेखक जब पहली बार घुसा था तो बैठने की सीट नहीं थी, अब लेखक सो सकता है, इसलिए कहता कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे सो भी सकता हूँ। एंड enjoy द लग्जरी, और इस विलासतापूर्ण सीट का तुम पूर्णतः यहाँ पे तुम उपयोग कर सकते हो। ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, कह रहा है और इतना नहीं, जो तत्कालिक में जो कानून कायदे जो नियम बनाए गए थे, और पॉसिबली मतलब संभवतः द हार्ट ऑफ डोरा, और तुम इतना करना है तो जो यहाँ पे चाहो तो तुम डोरा के जो नियम हो उस डोरा के नियम को भी तुम तोड़ सकते हो। हर सेल्फ स्वयं में जो उसका अपना रूल है उसके नियम को तुम संभवतः भी यहाँ पर तोड़ते हो। Only Dora will not know, यद्यपि कि जो Dora का नियम है वो Dora का नियम भी ये नहीं बता पाएगी तुम क्या कर रहे हो। फ्रेंड्स यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, मतलब जो कानून बना था वहाँ पे Dora जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, उस वक्त वो मतलब Dora भी नहीं जानेगी कि उसके रूल को वहाँ पे तोड़ दिया। That her heart is broken, कि उसका हृदय तोड़ दिया गया, अर्थात उसके नियम को तोड़ दिया गया उसको भी पता नहीं है। You have scared even Dora, यदि Dora के नियम को तोड़ करके भी तुम बच सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पे जो Dora शब्द है, Dora का थोड़ा हम डिफाइन कर देना चाहते हैं। Dora का फुल फॉर्म है डिफेंस ऑफ रियलम एक्ट इन फॉरेन इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ग्रेट वार 1940 to 1918, अर्थात 1914 से लेकर 1918 के बीच में जो युद्ध चला था प्रथम विश्व युद्ध, उसके दौरान बनाया गया इंग्लैंड के द्वारा एक कानून था जो पूर्णतः वहाँ के लोग उसका पालन करते थे। तो लेखक कहता उस दौरान अगर चाहो तो तुम डोरा के नियम को भी तोड़ सकते हो, उस आज़ादी में कोई भी तुमको बोलने वाला नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड हम देख रहे हैं जो डोरा
के कानून के नियम को भी तोड़ दें तो भी हमें कुछ होने वाला नहीं है, कोई भी यहाँ पे बचा